Is it fine if small birds eat leaves of tulsi? वैसे ये तो फाइन नहीं है, क्योंकि तुलसी जो है उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी भगवान की सबसे प्रिय है, इसलिए तुलसी आरती में आता है, तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। तुलसी भगवान की इतनी प्रिय है कि भगवान का जो घर है वृंदावन, वो वृंदावन भगवान ने किसको दे दिया? तुलसी महारानी को दे दिया। इसलिए तुलसी महारानी का नाम क्या पड़ा? वृंदा देवी। वृंदा देवी मतलब वृंदा देवी का जो वन है वो है वृंदावन। इतने प्रिय है, और इतने प्रिय है कि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। और ये तुलसी जो हमारी भक्ति की रक्षा करती है, जो हमें भक्ति प्रदान करती है, कहते हैं वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवाय सुचा कृष्ण भक्ति प्रद देवी। कृष्ण भक्ति हमें प्रदान करती है, कौन? वृंदा देवी। तो वृंदा देवी को तो हमें प्रोटेक्ट करना ही चाहिए ना, क्योंकि वो हमारे भक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वैसे जो बर्ड्स होते हैं उनको नहीं पता कि तुलसी लीफ को नहीं खाना चाहिए, अरे ये तो तुलसी है इसको मैं नहीं खाऊंगा, उनके अंदर ये सेंस नहीं है। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि वो यही सब खा के वो लोग जीते हैं। तो तुलसी महारानी को आप घर के अंदर रख सकते हो, बरामदा में रख सकते हो, या फिर भगवान के ऑल्टर के साइड में रख सकते हो। भगवान को जब आप पर्दा से ढक देते हो ना रात को, तब आप ऑल्टर के साइड में रख सकते हो तुलसी महारानी को। तो हमें तुलसी महारानी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुलसी महारानी भगवान की बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, और भोग कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, अगर उसमें तुलसी पत्र है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो तुलसी तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यमराज कहते हैं कि जिनके गले में तुलसी माला है मैं उनको कभी नहीं पकड़ता, तो इसलिए हमें तुलसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो चलते हैं।